पल्सर्स में या डिस्कवर में जिसमें भी इस तरीके के इंजन्स होते हैं पल्सर 135 वाले, तो इसमें एक प्रॉब्लम आती है, और वो प्रॉब्लम है कैमशाफ्ट की जो बेयरिंग्स होती हैं वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं। आप न्यू बेयरिंग्स जो हैं इंस्टॉल करते हैं उसके बावजूद वो बेयरिंग्स बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं। तो इसका सबसे पहला सिम्टम क्या होता है कि जब भी आप अपनी बाइक को 17 या 1800 आरपीएम पे सेट करते हैं, मतलब आइडलिंग 1800 आरपीएम पे रखते हैं, तो क्या होता है कि उसमें एक रैटलिंग की आवाज़ आती है, उससे ऊपर आरपीएम्स पे नहीं आती वो आवाज़, केवल उसी पर्टिकुलर आरपीएम पे ही वो साउंड आती है। तो ये तो इनिशियल फेज़ में उसकी साउंड आती है, बाकी बाद में जो है जब बेयरिंग ज़्यादा ख़राब हो जाती है तो टाइमिंग चेंज जैसी आवाज़ आने लगती है इसमें। तो उसके पीछे जो इसका मेन रीज़न है, अब वो होता है ये जो हेड है इस हेड में ही प्रॉब्लम है। तो ये हेड में क्या चीज़ ख़राब होती है मैं आपको बताता हूँ। ये जो चीज़ होती है जहाँ पर ये कैमशाफ्ट इसकी लगी हुई है, ये जो कैमशाफ्ट जहाँ पे लगी है, जो एरिया है जहाँ पे कैमशाफ्ट की बेयरिंग लगी हुई है, तो उस एरिया में प्रॉब्लम है। अब आपको बताते हैं ये प्रॉब्लम क्यों आती है, क्योंकि ये एक एल्यूमिनियम का हेड है, और ये जो आपको माउंटिंग बोल्ट्स दिख रहे हैं, दो माउंटिंग आपको बोल्ट दिखाई दे रहे हैं, तो जब भी आप इसको टाइट करोगे तो क्या होता है, ये वाला जो एरिया आप देख रहे हैं, ये वाला एरिया जिस पे मेरी उंगली है, इस एरिया को आप देखिएगा, तो ये वाला एरिया जो होता है वो कंप्रेस हो जाता है, दब जाता है, तो उसी की वजह से ये बेयरिंग टाइट चलने लगती है, और इसी की वजह से ये बेयरिंग ख़राब हो जाती है बहुत जल्दी। और ज़्यादातर ये जो सामने वाली बेयरिंग है यही ख़राब हो जाती है, मेरी बाइक में भी ख़राब हो गई थी। फिर उसके बाद मैंने एक लोकल बेयरिंग इसमें यूज़ की थी, वो और जल्दी ख़राब हो गई, लेकिन उसके बाद मैंने इसमें NBC कंपनी की बेयरिंग लगाई थी जो अभी तक चल रही है। ठीक है, तो आप केवल अगर बेयरिंग्स चेंज कर देंगे तो ये सक्सेस नहीं होने वाला, इसके लिए आपको कुछ काम भी कराना पड़ेगा। तो मेन जो प्रॉब्लम है वो उसमें क्लियरेंस की प्रॉब्लम है। अगर आप ये नहीं एकदम से कह सकते ये हेड जो है उसकी क्वालिटी ख़राब है, ठीक है, मेन जो प्रॉब्लम है वो उसमें क्लियरेंस की प्रॉब्लम है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अब देखिए सबसे पहले तो मैं आपको चेक करने का तरीका बता रहा हूँ कि आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपकी बाइक में जो कैमशाफ्ट है वो फ्री चल रही है कि नहीं। तो आपको क्या करना है, ये देखिए टाइमिंग चेन का टेंशनर है यहाँ पे लगा, ये देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे एक बोल्ट लगा होता है 10 नंबर का, 10 mm का बोल्ट लगा होता है, उसको खोलना है। और देखिए मैंने स्टॉपर की यहाँ पे लगाई है, स्टॉपर की मदद से मैंने क्या किया है, टाइमिंग चेन को लूज़ कर दिया है, टाइमिंग चेन टेंशनर को ढीला कर दिया, जिससे ही टाइमिंग चेन लूज़ हो गई। देखिए ये देख पा रहे हैं आप, अब आपको क्या चीज़ चेक करनी है, इसको देखो ऐसे चलाना है, अपनी उंगली देखिए इस पे रखिए और ऐसे चलाना है, ये देखिए देख लीजिए कितना फ्री है, ये देख रहे हैं इतनी फ्री चलना चाहिए। मैं बहुत ही लाइट प्रेशर यूज़ कर रहा हूँ उस पर, बहुत ही लाइट प्रेशर, और देख लीजिए ये बिल्कुल फ्री चल रहा है। जिन गाड़ियों में कैमशाफ्ट बेयरिंग की प्रॉब्लम होती है या बार बार प्रॉब्लम आती है बेयरिंग्स की, तो उसमें आप देखिएगा कि ये जो दो बोल्ट हैं ये टाइट करने के बाद ये एकदम से बहुत ज़्यादा टाइट चलने लगता है, मतलब आप इसे उंगली से हिला नहीं पाएंगे। तो ये जो है पहली पहचान होती है इसकी। फिर दूसरी पहचान मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे आपने देखा होगा ये पल्सर 135 में या डिस्कवर वाले ये जो हेड है, आपने देखा होगा कि इसमें कैमशाफ्ट जो है अगर आप निकालने जाते हो तो आसानी से नहीं निकलती, उसके लिए आपको हैमर का यूज़ करना पड़ता है, तब जाके ये कैमशाफ्ट बाहर निकलती है। अब जैसे इसमें ये कैम स्प्रोकेट देखिए, स्प्रोकेट के पीछे एक सरक्लिप लगी है, अगर आप देख पा रहे हैं ये देखिए यहाँ पे सरक्लिप पीछे की तरफ लगी है। इस सरक्लिप को निकालने के बाद आपको क्या लग रहा है कि ये कैमशाफ्ट इतनी आसानी से निकल जाएगी, नहीं निकलेगी आपकी बाइक में, आपको क्या करना पड़ेगा, हैमर से इसको टैप करना पड़ेगा पीछे से, और तब जाके ये कैमशाफ्ट निकलती है। ठीक है, जबकि अदर बाइक्स में मैंने देखा है कि ये जो कैमशाफ्ट है सीधे हाथ से खींचने पे ही निकल आती है। ठीक है, तो वही प्रॉब्लम इसमें भी थी, तो मैंने क्या किया है, इसका जो होल है जहाँ पे ये कैमशाफ्ट फिट होती है, इस होल को मैंने बड़ा कर दिया। आपको भी ये होल जो है अपनी बाइक में बड़ा कराना है, अगर आपकी बाइक में बार बार कैमशाफ्ट
उसकी बेयरिंग ख़राब हो रही है। अगर आप खुद से कर सकते हैं तो सबसे अच्छा, नहीं तो आप किसी खराद वाले से आप ये काम करवाएं, क्योंकि ये काम जो है थोड़ा सा एक्यूरेसी का काम है। क्योंकि अगर आप ज़्यादा कर दोगे इसे, ज़्यादा आपने अगर घिस दिया ये, तो क्या होगा, इसमें परमानेंट आवाज़ आने लग जाएगी, फिर आपको हेड तक चेंज करना पड़ जाएगा। इसलिए ये काम थोड़ा सा रिस्की है। अगर आप कर सकते हैं तो सबसे अच्छी बात है, नहीं तो किसी खराद वाले से आप करवा लीजिए। मैं अपनी बाइक के हिसाब से बता रहा हूँ कि मैंने 2018 में ये काम किया था और 2022 चल रहा है, मतलब 4 साल से ज़्यादा हो गया और ये बेयरिंग अभी तक नहीं ख़राब हुई। अच्छा, इसके अलावा बेयरिंग कैसे ख़राब हो जाती है, एक तो देखिए ये जो टाइमिंग चेन जो है वो ओवर टाइटनिंग जब आप लोग करते हो, जैसे ये जो टाइमिंग चेन टेंशनर है, जब टाइमिंग चेन ढीली हो जाती है तो मैंने देखा है कुछ लोग इस टाइमिंग चेन टेंशनर में जुगाड़ करते हैं, बोल्ट वोल्ट लगा देते हैं या फिर इसको इसकी स्प्रिंग निकाल के इसमें कुछ जुगाड़ करके उसको मैनुअली टाइट करते हैं इस टाइमिंग चेन को, तो उसकी वजह से भी ये कैमशाफ्ट ख़राब हो जाती है, लोड पड़ता है कैमशाफ्ट पे। और दूसरा, इसमें इस बोल्ट को बहुत ज़्यादा टाइट करना, ओवर टाइटनिंग, जिसकी वजह से इसके बेयरिंग पे प्रेशर पड़ता है। अगर आपकी गाड़ी में बार बार टाइमिंग चेन लूज़ होने की अगर प्रॉब्लम आ रही है, जल्दी जल्दी टाइमिंग चेन लूज़ हो जाती, तो एक बार आप कैमशाफ्ट की जो बेयरिंग्स हैं उसको भी चेक करवाइए, हो सकता हो कैमशाफ्ट में अप एंड डाउन प्ले हो, तो उसकी वजह से भी ये टाइमिंग चेन की आवाज़ आएगी। तो गाइस, मैंने आपको 3 मोस्ट कॉमन रीजंस बताए जिसकी वजह से ये जो कैमशाफ्ट के बेयरिंग्स हैं ये ख़राब हो जाती हैं। तो ये 3 मोस्ट कॉमन रीजंस हैं, इसके अलावा भी कई रीजंस हो सकते हैं। अगर आप इसमें न्यू बेयरिंग्स फिट कर रहे हैं तो आपको 3 कंपनीज के बेयरिंग्स मैं सजेस्ट करता हूँ, एक है फैग, दूसरी SKF और तीसरी NBC, ठीक है। जो ओरिजिनल है उसमें फैग में आती है, फैग कंपनी की बेयरिंग आती है ओरिजिनल में, ठीक है। और जो इसकी बेयरिंग का नंबर है वो आगे वाली जो बेयरिंग है उसका नंबर है 6003 और जो पीछे वाली है उसका नंबर है 6002। C3 बेयरिंग्स हैं। तो गाइज़, ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है, ये कैसी लगी आपको, ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे बताइए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।